मालवा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भैंसवा माता मंदिर में कलेक्टर निधि निवेदिता द्वारा पूजा अर्चना की गई। इसके बाद उन्होंने आगामी माह में लगने वाले भव्य मेले की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इसमें कलेक्टर ने मंदिर समिति द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हुए यात्रियों के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण, पीने के पानी एवं मंदिर की चढ़ोतरी, दान राशि व उसके खर्च की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने भैंसवा माताजी में बनाई जा रही प्रस्तावित गौशाला भूमि का अवलोकन भी किया। इस दौरान समिति सदस्यों ने दान पेटी से निकली विदेशी करेंसी की जानकारी कलेक्टर को दी। आपको बता दें कि पूर्व में करीब 10 देशों की करेंसी दान पेटी से निकल चुकी है। ग्लोबल हेराल्ड के लिए राजगढ़ से संवाददाता नितेश सोनी की रिपोर्ट। समिति की बैठक के लिए क्या क्या निर्णय हुए, क्या सुविधाएं यात्रियों को मिलने वाली? यहाँ सारंगपुर में एक बड़ा ही भव्य मंदिर है विजयसेन माता का, भैंसवा देवी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर अभी 10 से लेकर के 19 फरवरी तक एक बड़ा मेला लगता है, जो कि 10 से 19 फरवरी के बाद भी लगभग एक माह तक चलता है। इस मेले में आने वाले जो लोग हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एक व्यवस्थाएं हैं जो आवश्यक हैं, और इस भव्य मंदिर, इस मंदिर को एक भव्य स्वरूप जो है वो दिया जाना आवश्यक है। इसको इसकी इसके लिए ट्रस्ट जो है वो गठित है। ट्रस्ट के सभी मेंबर्स की आज एक मीटिंग थी, जिसमें मंदिर को भव्य स्वरूप देने के संबंध में आज एक योजना बनाई गई है, जिसका कार्य जो है वो जल्दी ही शुरू हो जाए। इसके लिए कोई प्लान आपने तैयार किया है? की व्यवस्था, यहाँ पर जो लोग आने वाले उन लोगों के लिए कई सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि कुछ एक धर्मशाला बनी हुई है और एक एमपी टूरिज्म का एक होटल भी बना हुआ है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और ये क्योंकि बहुत समय से अनयूज पड़ा हुआ है, तो इसको उपयोग में लाने संबंधी जो है वो योजना हम तत्काल आरम्भ करेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन इसको और क्योंकि जितनी कैपेसिटी के लोग आते हैं, जितनी संख्या में लोग आते हैं उनके लिए सफिशियंट उतना नहीं है, तो सफिशियंट और करने के लिए प्रयास यहाँ पर ये बताया गया, क्योंकि मंदिर जो है वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पर पानी के लिए बोरिंग या अन्य तरीके के प्रयास विफल रहे हैं, और जो पानी है वो नीचे से लाना पड़ता है, तो कई स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें पानी के टैंकर दूसरे जगह से बुलवाने पड़ते हैं। तो मंदिर के ट्रस्ट के सभी मेम्बर्स ने निर्णय लिया है कि मंदिर का स्वयं जो है एक दो पानी के टैंकर जो है वो स्वयं के रहें, तो इस संबंध में भी एक निर्णय लिया।